अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे अरे कहाँ जा रही हो? लगता है हमने कुछ ज्यादा ही गुस्से से बात कर ली रूबी से, नाराज होकर बैठी होगी। हमें उसे बात करनी चाहिए। शाम हो गई, इस समय कहाँ जा रही हो? वो हम ज्योति के घर पर पढ़ाई करने का हमारा प्लान था। एक दो सहेलियां और भी आ रही है, शायद एक दो दिन हम ज्योति के घर पर ही रहेंगे। तो बताकर जाना चाहिए था ना। नहीं, वो लेट हो रहा था ना, इसलिए हमने सोचा रास्ते में आपको कॉल कर देंगे। हम ज्योति के घर के लिए कुछ खाना बना कर दे देते। नहीं नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं। ज्योति की मम्मी ने खाना बनाया है। अच्छा, हम अभी चलते, देर हो रही ना। रुको, तुम्हारे बैग का चेन खुला है। जितनी छूट तुमने इस लड़की को दे रखी है ना, इसकी वजह से हाथ से निकली जा रही है। कहीं नहीं जाओगी तुम। इस लड़की को अगर अपनी सहेली के घर पढ़ाई करने जाना था तो घर में किसी को बता के जाती, ऐसे चुपचाप निकलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं तुम्हें कैसे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस लड़की के लक्षण हमें कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। चलो घर के अंदर। बचपन से कभी हमारे माँ बाप ने हम पर भरोसा नहीं किया, इसलिए आखिर जीवन में भी कभी हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। हम नहीं चाहते जो हमारे साथ हुआ हमारी बेटी के साथ भी हो। अपनी बेटियों पर भरोसा ना करने की भूल हम कभी नहीं करेंगे। समाज से हटकर अपने ढाई चावल की खिचड़ी बनाने की आदत तो है तुम्हें, तभी तो तुम्हारा पति तुमसे परेशान होकर घर छोड़कर चला गया। बहुओं के मामले में पता नहीं इस परिवार को किसकी पनौती लगी है। दादी की बात का पूरा मत मानो, जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। हम जानते हैं तुम हमारे विश्वास को कभी शर्मिंदा होने नहीं दोगी। कालिंदी, तुम रूबी के कमरे में क्या कर रही हो? जिस लड़की के लिए तुमने इतना बड़ा इल्जाम अपने सर ले लिया, उसे तुम्हारे त्याग की कदर ही नहीं है। क्या मतलब? हे दुर्गा माँ, प्लीज पहली बार कोई दुश्मन के लिए प्रार्थना करती हूँ, कुछ भी ऐसा चमत्कार कर दो कि कुछ हो और रूबी मिल जाए केतकी को। क्योंकि अगर रूबी नहीं मिली तो
मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ, वो शीतल भाभी ने बुलाया था, उनके घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं तो खाना बनाने के लिए। लेकिन हमने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, और खाना बनाने के लिए ऐसे दौड़कर जाने की क्या जरूरत है? वो रहने दो, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल तुम जो भी कहते हो उस पर भरोसा होना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो गया है। माँ, रूबी कहाँ है? अपने कमरे में भी नहीं है, कहाँ गई है वो? ज्योति के घर गई है पढ़ाई करने, 2 दिन वहीं रुकेगी। ज्योति के घर? हे राम जी, रूबी की रक्षा करना और हमें शक्ति देना कि हम रूबी को कोई भी गलत कदम उठाने से रोक सके, उसकी रक्षा करना। पासपोर्ट? वैसे किसी के लिए इतनी जल्दी वीजा का काम नहीं होता है, लेकिन आपके लिए फोन घुमाए हैं मैंने जी, क्योंकि आप अकेली महिला इतना लंबा सफर कर रही हैं। आप जी, थैंक यू। अभी मेरी गाड़ी आपको वीजा के लिए लखनऊ लेकर जाएगी, वहां आपका बायोमेट्रिक होगा और फिर वीजा आते ही लखनऊ से दिल्ली भेजा जाएगा, जहाँ कैनरा ले जाने वाला हवाई जहाज आपका इंतजार कर रहा होगा। ये सब लीगल है ना? अब हमारा मतलब है कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? देखिए मैडम, आपको भरोसा नहीं है तो आपके पैसे और पासपोर्ट ले जाइए और हमें माफ कीजिए। अब नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। तो ठीक है, चलिए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, ले लीजिए। गौरव, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, 2 दिन में कनाडा पहुंच जाएंगे। I'm so happy, गौरव। ज्योति, वो रूबी तुम्हारे यहाँ पढ़ने आई है? हाँ, वो अंदर पढ़ रही है, बुलाओ उसे, हमें उससे कुछ बात करनी है। लीजिए मैडम, पानी पीजिए। जी, थैंक यू। जी, थैंक यू। भाभी, वो दरअसल रूबी कहाँ है? ज्योति, ज्योति, हमने तुमसे पूछा रूबी कहाँ है? वो गौरव के पास कनाडा जा रही है, वो बस अभी
थोड़ी देर पहले ही निकली है यहाँ से, सनशाइन टूर एंड ट्रेवल्स के, वहाँ वहीं से उसे फास्ट ट्रैक का वीजा मिलेगा। सनशाइन टूर्स एंड ट्रेवल्स, अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।